नंबर देखिए, थर्ड नंबर में दिया हुआ है एच टी इक्वल टू, में यहाँ देखिए वेरिएबल टी है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो चलिए अब क्या करेंगे, एच टी इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू में 0, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर जाएगा, रूट लगेगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस रूट अंडर 15। तो यहाँ से देखिए टी का दो वैल्यू है, एक माइनस का रूट 15 और एक प्लस का रूट 15। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू में माइनस रूट 15 और बीटा इक्वल टू में रूट 15। ए इक्वल टू में देखिए टी स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा वो, टी का कोफिशियंट इसमें है ही नहीं तो 0, और कॉन्स्टेंट जो है वो आपका सी यानी माइनस 15। चलिए अब रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए होता है। हमने जीरो जो निकाल दिए हैं, हम लोग यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करने वाले हैं, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की जगह 0 और ए की जगह 1। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट सॉल्व हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर भी 0, वेरीफाई हो गया। यहाँ देखो ये माइनस का रूट 15 अल्फा और बीटा आपका रूट 15 सी बाई ए यानी माइनस 15 बाई ए की जगह 1, ये माइनस का यहाँ भी 15 और इधर भी 15, वेरीफाई हो गया कि नहीं। तो हमने रिलेशन को वेरीफाई भी कर दिया और इनके जीरोज भी निकाल दिए। तो नेक्स्ट